नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के सबसे बेहतर मौके कहां पर होने वाले हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1803545, साथ ही आप 01204258237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर मार्केट के ताजा हाल पर कि शाम के कारोबार में कमोडिटी मार्केट में किस तरह की हलचल हो रही है, ये सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं। गोल्ड में करीब 25 रुपए की नरमी है, 29,780 के स्तर पर है एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव, और चांदी में करीब 20 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है, 40,730 के स्तर पर एमसीएक्स पर चांदी में ट्रेड हो रहा है। क्रूड में करीब 20 रुपए की नरमी है, 2893 के लेवल पर यहां पर ट्रेड हो रहा है, और नेचुरल गैस में करीब 0.25% की मजबूती आ गई है इवनिंग मार्केट में। और मेटल काउंटर को देखें तो रेंज बाउंड ट्रेड है, कॉपर का भाव 313.55 के स्तर पर है, और बाकी मेटल को देखें तो निकिल में करीब 1.5 रुपये की मजबूती है, 581 के आसपास एमसीएक्स पर निकिल में ट्रेड हो रहा है, और इसके अलावा जिंक में करीब 1% की तेजी है, 123.45 का स्तर है, लेड का भाव करीब 0.25% ऊपर है। एग्री मार्केट में अगर देखें तो आज ग्वाटसीड मई वायदा करीब 4% गिरकर बंद हुआ है, तेज गिरावट आई है, 3100 के बेहद करीब पहुंच चुका है भाव, और ग्वारगम में भी जोरदार गिरावट आई है, और ना सिर्फ ग्वाटसीड ग्वारगम में बल्कि बाकी एग्री में भी आज अच्छी खासी गिरावट यहां पर देखने को मिली है। चने में 18 रुपये की नरमी, 5668 का लेवल, और साथ ही बात करें अगर सोयाबीन की तो यहां पर करीब 2.25% की गिरावट आई है, 3861 के लेवल पर मार्केट में ट्रेड हो रहा है, और सोया तेल में करीब 1.5 रुपये की नरमी। तो यह है मार्केट का ताज़ा हाल, और अब बात करते हैं बम्पर कॉल की। तीन ऐसी कौन सी बम्पर कॉल हैं जहां पर आपके लिए कमाई के बेहतर मौके होने वाले हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। पहली कॉल है आई ग्रू की, कॉपर 316 के भाव पर बिकवाली की रहा है, 310 का टारगेट होगा, लेकिन 319 के स्तर पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं इंट्राडे में, लेड और आई ग्रू का मानना है कि 117.30 के स्तर पर आप बिकवाली करें, 120 के टारगेट के लिए, और 118.50 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। तीसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में, क्रूड और एन प्रसाद का मानना है कि आप 2920 पर बेचें, लक्ष्य होगा 2800 का। तो ये कोई महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। आगे बढ़ते हैं और आप सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की, जहां पर आज जोरदार गिरावट आई है। ग्वारसीड ग्वारगम का भाव करीब 4% लुढ़का है, सोयाबीन में भी 2% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। तो आज एग्री में भारी बिकवाली की खबर आई है, और तेज़ गिरावट के साथ कई कमोडिटी का वायदा आज बंद हुआ है। इसके पीछे महत्वपूर्ण वजह यह है कि मानसून के ऊपर एक बार फिर से मौसम विभाग का बयान आया है कि 10 दिन के अंदर अंडमान निकोबार में मानसून पहुंच जाएगा, और स्काइमेट ने भी इसकी पुष्टि की है, और साथ ही ये कहा गया है कि 1 जून तक केरल में मानसून दस्तक दे देगा और बारिश अच्छी रहेगी, और अगले कुछ दिनों में प्री मानसून बारिश होने की भी संभावना है। ये कुछ खबरें आई हैं जिसका इम्पैक्ट आज एग्री कमोडिटी पर दिखा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ चार एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ शिव श्रीवास्तव हैं आई ग्रू के MD नोएडा स्टूडियो से, हमारे साथ एन प्रसाद भी हैं, और साथ ही हमारे साथ फोन लाइन पर सुनील जांगीर हैं कमोडिटी ट्रेडर, और साथ ही हमारे साथ हैं अजय केडिया केडिया कमोडिटी के मुंबई से। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल सुनील जांगीर आपसे, आज जो एग्री में भारी गिरावट आई है, क्या यही शार्प डाउनसाइड अगले कुछ दिनों तक कंटिन्यू रहने वाला है? सर, अगले कुछ दिनों में ये ट्रेंड चल सकता है, क्योंकि अभी अच्छे मानसून की खबरें भी हैं, उसके साथ में अच्छे जो प्री मानसून के हिसाब से जो एग्री कमोडिटीज में जिन दिन में गिरावट आई है उनका सोविंग एरिया बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी, और किसानों का रुझान भी रहेगा उन कमोडिटीज में, जैसे गुआर है, गुआर में भी ऐसे समाचार मिलेंगे, तो उसका जो मौसम मानसून है उसके हिसाब से गिरावट ज्यादा दर्ज की गई है, बिकवाली का दबाव उसी की वजह से है, और दूसरा जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफी कमजोर रही है, उसकी वजह से भी ये मार्केट काफी गिरा है। ठीक है अजय केडिया, जो बात सुनील कह रहे हैं कि फंडामेंटली मार्केट कमजोर हुआ है, ऐसे में अब अगर ट्रेड करना हो एग्री कमोडिटी में, खास करके जिस तरह से आज ग्वार सोयाबीन में तेज गिरावट आई है, इन दोनों काउंटर में कल के कारोबार के लिए किस तरह की ट्रेडिंग आप रिकमेंड करेंगे? गुड इवनिंग,
हाँ डेफिनेटली आज की जो गिरावट है काफी इंपॉर्टेंट है, जिस दिन से हमने देखा क्लाइमेट से भी एक अपडेट है कि जल्द हम मानसून में हीट कर लेगा, उसी के लिहाजा हमने देखा है अभी एक फॉल आया, बट मुझे नहीं लगता कि ये फॉल कंटिन्यू रहेगा कि फंडामेंटल अगर आप चाहे पल्सेस की बात करें वो डिफरेंट दिखा रहा है। इवन अगर सोया की बात करें तो सोयाबीन में जो अभी एस्टिमेट्स आए हैं सोपा का उसमें कहीं ना कहीं रिवाइज दिखा रहा है कि 6% से ज्यादा का डाउनफॉल आ सकता है, तो लॉन्ग टर्म मुझे लगता है अभी भी स्कोप अच्छा है। कमिंग ऑन गवार, गवार में हमने देखा स्विंग प्रोग्रेस अच्छी एक्सपेक्टेड है, उसी के लिहाजा पहले छूटे बट अभी भी 3000 के नीचे जा नहीं पा रहा, पिछले 6 महीने से हमने देख रहे हैं कि गवार 3 के नीचे जा नहीं पा रहा है, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 3400 से लेकर 3000 का जो दायरा वो मेंटेन रहेगा। नो डाउट डिमांड कंसर्न इस वक्त है क्योंकि अक्षय तृतीय तक हम देखते हैं कि फेस्टिवल डिमांड रहती जो पहले करके रखती है, बट अक्षय तृतीय जैसे हो गया तो मुझे लगता है स्लो एंड स्टडी कम डिमांड होने की वजह से प्राइस में फॉल है, बट मुझे लगता है आज और कल के दिन रह सकता है, इस फॉल में एक बाइंग इनिशिएट होना चाहिए खास करके सोयाबीन में, मस्टर्ड में भी काफी अच्छा आउटलुक है हमारा। ओके ठीक है सुनील, आखिरी सवाल आपसे, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आपका टारगेट ग्वार और सोयाबीन के ऊपर फिजिकल मार्केट में क्या होगा? सर ग्वार सीड को मैं अभी ग्वार गम को अभी 5050 से लेके 5150 के लेवल अभी देख रहा हूँ, और सोयाबीन में अभी 3710 का एक सपोर्ट है। ओके अगर वो टूटता है तो इसमें थोड़ा 100-150 रुपए का मंदी और आ सकता है। ठीक है, बहुत बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका और अजय केडिया आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत करने के लिए। बात कर लेते हैं मानसून की, और मानसून के मोर्चे पर अब अच्छी खबर यह है कि मानसून इस बार समय पर आने की संभावना है, और अब तक मौसम विभाग ने जो मौसम विभाग का जो पुराना अनुमान है उस अनुमान पर मौसम विभाग कायम है कि इस बार अच्छी बारिश होगी, और प्री मानसून बारिश देश के कई इलाकों में शुरू हो चुकी है और अगले कुछ दिनों में कुछ और हिस्सों में होने की उम्मीद है। केरल और कर्नाटक में 21 मई के आसपास बारिश के आसार यहां पर जताए जा रहे हैं। पश्चिमी हिमालय उत्तर पूर्व में 12 से 16 मई के आसपास बारिश की संभावना है, और 20 मई को अंडमान में मानसूनी बारिश हो सकती है। ये प्री मानसून बारिश अभी हो रही है और 20 मई को अंडमान में मानसूनी बारिश होगी, इस बात की उम्मीद न सिर्फ मौसम विभाग ने बल्कि निजी एजेंसी क्लाइमेट ने भी जताई है। शिव क्या कहते हैं आप, क्या इम्पैक्ट होगा मानसून की खबर का एग्री मार्केट पर आगे? जी देखिए, बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि देश में 2 साल लगातार एक सूखे सी स्थिति बन गई थी, तो उसके लिए एक अच्छी खबर है। और जहां तक अगर एग्री कमोडिटीज पे इसकी जो इम्पैक्ट की बात है, तो मुझे लगता है कि अच्छे मानसून से बिल्कुल एक कीमतों में नरमी का ही रुख दिखाई देगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में चना खासकर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि चने में आने वाले दिनों में भी गिरावट अभी कंटिन्यू रहेगी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप बात करते हैं कि आज अगले 6 घंटे के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए कहां पर कमाई के मौके होंगे। कॉलर हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मोहम्मद वाजिद हैं नांदेड़ से, पूछिए सवाल पूछिए। हेलो सर जी, सर हल्दी में तय सर आज और सोयाबीन का बोलो सर, महीने भर का हल्दी और सोयाबीन का आप जानना चाहते हैं। शिव क्या आउटलुक है आपका एक महीने का? अगर सोयाबीन की बात की जाए तो हमने देखा है कि कीमतों में गिरावट का सिलसिला बना हुआ है, मुझे लगता है कि यहाँ से 50 से 60 रुपए तक की गिरावट हमें और एक्सपेक्ट करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि कीमतों में तेजी का रुख बन सकता है। अगर महीने दिन की बात की जाए तो मेरे विचार से करंट लेवल से 100 रुपए से लेकर 120 रुपए तक की तेजी देखी जा सकती है। ठीक है, बात कर लेते हैं आप गोल्ड की, कल की भारी गिरावट के बाद आज गोल्ड का मार्केट दायरे में फंसता हुआ दिख रहा है। एन प्रसाद आपका कमेंट क्या होगा गोल्ड के ऊपर, क्योंकि गोल्ड की कीमतें कल काफी ज्यादा गिरी थी लेकिन आज मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। देखिए गोल्ड और जैसा नॉन एग्री कमोडिटीज मार्केट में मैं बोल रहा हूँ कि कल जो रुख आया है थोड़ा बहुत डॉलर जो है स्ट्रेंथन चालू किया है, जो स्ट्रेंथनिंग होने का संकेत दिखाया इसके पीछे ये सब तेजी कर रहा था। मेरे को लगता है ये तेजी घूम गया है, राउंड सर्कल आया है, सेल इन मे एंड गो अवे जो कहावट है वो काम आ रहा है कमोडिटी मार्केट में। इस महीने भर के लिए बहुत बड़ा सेल ऑफ जो हम बोलते हैं जो बेरिश टोन है वो सेट ऑफ हो रहा है, हर कमोडिटी में चारों कमोडिटीज में सेट ऑफ हो रहा है, तो सावधान रहे इन्वेस्टर्स, बहुत केयरफुली ट्रेड करें, स्टॉप लॉस लगाए। जब भी बेरिश मार्केट आता है वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है, शार्प स्पाइक्स मिलता है, तो शॉर्ट भी किया तो शॉर्ट स्पाइक्स में घबराहट से कटौती होता है, इसलिए एंट्री लेवल बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि अराउंड 29,800 to 950 गोल्ड का एक अच्छा सेल लेवल हो सकता है। हम आने वाले थोड़ा 1-2 हफ्ते में बहुत बड़ा करेक्शन देख के 28,000 तक भी 28,500 तक भी जाने का
ठीक है। अगले कॉलर हमारे साथ रविंद्र हैं भिवानी से, क्रूड के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए रविंद्र। मैंने जी 2 करोड़ बाई कर रखे जी 3025 रुपए में। अच्छा, किस भाव पे आपने बाई किया है? क्या करूँ जी, बना हो गया, निकल जाऊँ यहाँ से जी। ठीक है, क्रूड का आउटलुक से आप क्या देख रहे हैं? मुझे लगता है कि उतार चढ़ाव के बीच आज क्रूड में एक अपसाइड का मोमेंट दिखाना चाहिए, क्योंकि निचले स्तरों से हमने देखा है थोड़ी सी रिकवरी हुई है। तो मुझे लगता है आज इंटरडे के टारगेट की बात की जाए तो 2950-60 तक क्रूड जा सकता है, और जैसा इन्होंने बताया कि इनकी बाई पोजीशन है तो मेरे विचार से इन्हें आज और कॉल होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि क्रूड में मुझे लगता है थोड़ी तेजी आ सकती है। अगर आपके पास भी सवाल है और आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं तो कॉल करिए, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1803545, साथ ही आप 01204258237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और अब वक्त है इवनिंग कॉल।